वेलकम बैक। और अपन के पास आज की इस वीडियो के लिए ये तीन तगड़े फोन है और आपकी डिमांड थी यार इनके बीच में BMI टेस्ट लेके आओ। आ चुका हूँ यार मैं, जैसे आपका सुनता हूँ ना आप मेरी एक बात नहीं सुनते हो। फटाफट यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर लो, 300,000 हमें कंप्लीट करने हैं। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। रेडमी का K50 आया है, iQOO का Neo 7 है और पोको का F5 है। इनके बीच में घमासान टक्कर लगाएंगे BMI के अंदर। और बात करें इनके प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस स्कोर की तो K50 में आपको Dimensity का 8100 देखने को मिलता है जो 8 लाख के आसपास अनटू लेके आता है। और Neo 7 के अंदर आपको Dimensity का 8200 देखने को मिलता है जो यार 8 से लेकर 9 लाख के बीच में इनके स्कोर देखने मिलते हैं। और पोको F5 में आपको Snapdragon 7+ Gen 2 देखने मिलता है जो यार 9 से लेकर 10 लाख के बीच में अनटू लेके आता है, मतलब इतना डिफरेंस। और तीनों को भी गाइस मैंने 100% चार्ज किया है। यहाँ पे चलते इनके सेटिंग में, बैटरी सेक्शन के अंदर बैटरी, और यहाँ पे बैटरी, और यहाँ पे बैटरी। डार्क मोड को भी मैं हटा देता हूँ तो देख लेना तीनों भी गाइस यहाँ पे 100% अभी करंटली चार्ज है। यहाँ पे इसका भी 1% ड्रॉप हो चुका है, अब भी जस्ट ड्रॉप हो चुका है, बट हम 100% से पकड़ेंगे। और उसके साथ गाइज इनकी जो ब्राइटनेस है ना, ये गाइज मैंने 100% यहाँ पे रखी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ऑटोबिटो सब कुछ यहाँ पे बंद है। और उसके साथ जिनमें परफॉर्मेंस मिलता है, परफॉर्मेंस मोड देखने मिलता है, इनमें मैं परफॉर्मेंस मोड यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। तीनों के अंदर देखने मिलता है, तीनों के अंदर मैंने ऑन यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे गाइस बात करें इनके ग्राफिक सेटिंग्स की, अभी जो न्यू BMI का अपडेट आया ना उसके अंदर यार K50i भी Smooth+Extreme ही सपोर्ट करता है। पहले K50i में Smooth+90fps देखने मिल रहा था, बट यार ये अभी एक्सट्रीम पे आ चुका है। पता नहीं, हो सकता है कि आगे जाके 90fps आए। और वैसा ही सेम हाल है यहाँ पे Neo 7 भी Smooth+Extreme भी दे पाता है, और उसके साथ यहाँ पे Poco F5 भी Smooth+Extreme ही दे पाता है। मतलब स्मूथ में तीनों फोन के अंदर अभी 60fps का सपोर्ट है। बाकी आप HDR के ऊपर जाते हो तो HDR में भी यार यहाँ पे देख सकते हो कि K50i 60fps का सपोर्ट है, और उसके साथ Neo 7 के अंदर भी HDR में 60fps का सपोर्ट है, और Poco F5 में भी HDR में 60fps का सपोर्ट है। पहले दिन दोनों फोन के साथ आपको HDR में ओनली 40fps का सपोर्ट देखने मिलता था, बट अभी 60fps का सपोर्ट है। तो सबसे पहला टीडी मैच स्टार्ट कर लेते हैं K50i के अंदर, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो। और यहाँ पे गाइस मैं स्टॉपवॉच को भी ऑन कर लेता हूँ तो बैटरी कितना ड्रॉप हो रहा है ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। और ऊपर के साइड में पेस मीटर है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना। तो क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बट यार यहाँ पे ना थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि K50i बहुत ही खतरनाक फोन है BMI के लिए, फिर भी 55-60fps दे रहा है। हाँ ये भी बहुत अच्छे fps होते हैं, बट कांस्टेंट 60 नहीं दे पा रहा है, पता नहीं कैसे 55-60fps ही दे रहा है। बाकी यार यहाँ पे मुझे जायरो तो बहुत सही देखने मिला, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और फोन लगभग 43.6°C के आसपास जा चुका है। हाँ सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है यार, यहाँ पे महाराष्ट्र में 38°C के अराउंड देखने में मिल जाता है। तो यहाँ पे पंखा विंका सब कुछ बंद है, इसके वजह से ये हीटिंग है जो मेरे हिसाब से नहीं बोल सकते। बाकी शनॉक बूट कैमरे कैसे परफॉर्म कर लेता है देख लेंगे। चलो यार इसके बाद चलते हैं iQOO Neo 7 के ऊपर। उसके बाद गाइस हमने TDM लगा दिया iQOO Neo 7 के अंदर, और ऊपर के साइड में FPS मीटर भी है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। जायरो बाई स्मूथ है यार इसका, बहुत ही ज़्यादा मक्खन जैसा है। तो इसके साथ जितना मैंने TDM खेला तो लगभग 57-60fps रहता है, मैक्स 59-60fps मैक्सिमम टाइम मुझे देखने मिला, सही था यार। जायरो वगैरह FPS बिल्कुल ड्रॉप नहीं करता, सही लगा मुझे, बिल्कुल सही लगा। तो यहाँ पे गाइज बात करें इसके टेम्परेचर की तो इसका भी 43 के अराउंड है, जैसे कि बोला यार मैं सराउंडिंग टेम्परेचर आपको दिखाऊँ तो आप चौंक जाओगे, 37.3°C के अराउंड देखने मिलता है, कोई फैन नहीं AC नहीं, उसके बावजूद भी इतना मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत देखने नहीं मिली। चलो गाइज इसको भी रखते हैं साइड में और चलते हैं पोको के ऊपर। तो गाइज स्टेडियम मैच स्टार्ट कर लिया भाई हमने Poco F5 के अंदर, यहाँ पे देख सकते हो। बट यार मैच लगाने से पहले इसने ब्राइटनेस को ड्रॉप किया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने फुल रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे फुल ब्राइटनेस मुझे देखने को नहीं मिल रही है। हल्का सा भी यार हीट होता है, वार्म होता है तो यार ब्राइटनेस को ड्रॉप करता है ये, जैसे कि यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे FPS मैं यहाँ पे रखता हूँ, देख लेना यहाँ पे ऊपर के साइड में FPS चल रही है। बाकी यार जायरो मस्त है, यहाँ पे कोई जिटर लैग जायरो के अंदर नहीं है, मतलब स्मूथ देखने मिलता है। तो गाइस जितना मैंने Poco F5 में खेला तो एक ही चीज़ मुझे देखने मिली
कि यार ये ना ब्राइटनेस को ड्रॉप करता है। अभी ये देख लेना, ये न्यू से वन है तो कितना ब्राइट लग रहा है इसके आगे। हाँ गाइज, ये ब्राइटनेस को ड्रॉप करता है, तो यहाँ पे ना एफपीएस में वगैरह बिल्कुल ड्रॉप देखने को नहीं मिलते, 59-60 एफपीएस मिलता है, जॉरो भी मस्त देखने को मिलता है, बट ये है यार कि ब्राइटनेस को हल्का सा हिट होता है तो ड्रॉप करता है। तो यार इसका टेम्परेचर मैं आपको बताऊं तो देख लेना, ये भी 43 के अराउंड ही है, बाकी के सारे भी फोन 43 के अराउंड ही थे, बट उन्होंने ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं किया था, ये पोको F5 ब्राइटनेस को ड्रॉप करता है, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद गाइस हमने शनॉक बूट कैम लगाया K50i के अंदर, देख लेते हैं यार इसमें कैसे एक्सपीरियंस देखने मिलता है। और अभी करंटली भी जमे के अंदर से इसमें 90 fps का सपोर्ट हटाया दिया गया है, अभी ओनली 60 fps का ही सपोर्ट देखने मिलता है। तो लगभग यहाँ पे आपको 55-60 या 57-60 बोल सकते हो, इसी देखने मिलता है। तो आप यार 60 fps आराम से इसमें खेल सकते हो, कोई लैग नहीं, बल्कि यार जायरो वगैरह बहुत स्मूथ देखने मिलता है, तो डेफिनेटली 60 fps तो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। तो यार 90 fps का सपोर्ट जो गया है वो आना चाहिए, बस चलो इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं न्यू 7 के ऊपर, देख लेते हैं बूट कैम में क्या करता है वो। उसके बाद गाइज मैंने शनॉक बूट कैम लगाया अपने आईफोन न्यू 7 के अंदर, चलो देख लेते हैं इसमें कैसा fps मेंटेन करके रखता है ये फ़ोन। अरे यार पहले जंप मार दिया, पूछूंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। चलो पैराडाइज में उतरते पहले मैच। तो गाइस जितना मैंने एक्सपीरियंस किया इसके अंदर आईकॉन नियो 7 के अंदर, तो यार हाँ सही से प्लेबैक करता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 56-57-59-60 fps के आसपास गेम प्ले देखने मिलता है, चाहे यार कितना भी इंटेंसिव गेम हो, तो यहाँ पे सही लगा, जायरो भी मस्त है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइस इसको भी रखते हैं साइड में और चलते हैं गाइस पोको F5 के ऊपर। तो गाइस हमने स्टार्ट कर दिया है मैच पोको के अंदर, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे चूज कर लिया मैंने शनॉक बूट कैम और ये जंप। ओके भाई आ रहा यार ये फूट फूट के आ गया भैंस के यहाँ। अरे बट हाँ यार अच्छा खासा ड्रॉप मारा था इसने, अच्छा खासा। चलो यार फिर से एक बार फिर से खेल लेते हैं। कहाँ कर लिया ये गई लैग भाई भाई ये इतना लैग कर रहा है भाई, ये 38-29-25-24-27 खेलने लायक भी नहीं है, जितना मैंने देखा ये दो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इससे। सच में रिसेंटली दो मैचेस में अच्छे खासे ड्रॉप देखने में मिले मुझे, वो 24 से लेके 30 fps के आसपास ही फोन आया है। तो क्या रहा मेरा फाइनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो उसके पहले सबसे पहले आपको ना बैटरी कितना ड्रॉप हुआ है तीनों के अंदर ये दिखा देता हूँ मैं। सो गाइस K50i आ चुका है लगभग 86 पे, न्यू 7 85 पे और पोको 84 पे, और अभी भी देख सकते हो कि पोको ने ना ब्राइटनेस को ड्रॉप किया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, और बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कितना ड्रॉप हुआ है ऊपर में एमएच में देख लेना तो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा।
बट गाइस जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया तो टीडीएम में तीनों मस्त काम करते हैं, बट जब बात आती है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम बूट कैंप की तो ये दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दोनों भी स्मूथ फील होते हैं, बट यहाँ पे जब बात आती है पोको की, सबसे पहले ब्राइटनेस को ड्रॉप करता है। आप देख लेना K50i जितना ब्राइटनेस ये शो कर रहा है, यह है LCD डिस्प्ले की वजह से इसका ब्राइटनेस कम है, बट ये AMOLED होके भी कम ब्राइटनेस मतलब ड्रॉप कर रहा है अच्छा खासा। और तीनों का टेम्परेचर भी सेम था, 43 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उसके बावजूद भी यही ब्राइटनेस को ड्रॉप कर रहा है, ये न्यू 7 भी नहीं कर रहा था। तीनों में से एक चूज़ करना होता तो 28,000 में जा रहा हूँ तो ये चूज़ करता हूँ, और 20,000 के पास जा रहा है तो ये चूज़ कर लेता मैं। इसको अभी भी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। बाकी गाइस आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए नीचे जरूर आप कमेंट कर सकते हो, और ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम जाता है यार, बैठना पड़ता है एक जगह, तो लाइक एक जरूर कर सकते हो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।